रजब रजब होली रे रसिया जी, बिल्कुल ये एक गाना है, लेकिन इस गाने में वो सारी चीजें समा जाती है जो ब्रज में देखने को मिलती है। ब्रज की होली का रास एक अलग ही रास होता है और इसी रास का आनंद उठाने के लिए लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पे एक अलग प्रकार की शक्ति होती है, अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसे यहाँ आए हुए लोग महसूस करते हैं। क्योंकि खास बात यह है क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन दिन नहीं बल्कि यहाँ पूरे के पूरे 40 दिन तक होली का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है और लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थकते। चेहरे में उमंग, चेहरे में उत्साह, गजब की रौनक यहाँ पे देखने को मिलती है। रौनक का एक और खास रंग आपको दिखाते हैं। जब जब बात होती है तो दिमाग में बस ब्रज की होली जो है उसकी छवि उभर के आती है और उस वक्त में मैं ब्रज में हूँ। और जब जब होली का जिक्र होता है तो वृंदावन मथुरा का जिक्र ना हो तो होली का रंग जो है वो फीका माना जाता है। तो आप ये नज़ारा देखिए सबसे पहले, क्योंकि ये जो नज़ारा है ना उसे ही देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से चले आते हैं। आपको चारों तरफ बस रंग ही रंग नज़र आएगा, गजब का उत्साह, गजब का उमंग हर एक के चेहरे में आपको नजर आएगा। भीड़ की तो आप तुलना ही नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे होती है, उतनी ज्यादा भीड़ आप कहीं भी नहीं देखे होंगे। लोग थोड़ी ही थोड़ी दूर में खड़े होकर नाच गाना करते हैं, नाच गाना के साथ साथ हर किसी के चेहरे में गुलाल का रंग जो है वो नजर आ रहा है और उत्साह एक अलग ही नजर आता है। यहाँ की होली कितनी ज्यादा खास मानती है, कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। पहली बार आई है, साने की होली का मजा ले रही है? लखनऊ से आई है। मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने सुना कि दूर दूर से मथुरा वृंदावन आसपास के तो सारे लोग इन दिनों ऐसे ही मंदिर के आसपास होते हैं, पर यहाँ की होली का मजा लेने के लिए लोग दूर दूर से चले आते हैं। कहाँ से आए? होली है। हापुड़ यूपी। कैसा लगता है यहाँ की? बहुत बढ़िया। हर साल आते हैं। तो यहाँ पे शायद जो एक बार आ जाए ना वो दूसरी बार आने की मतलब वो सोच ही नहीं सकता कि वो होली मिस कर दे, क्योंकि बार बार यहाँ नजर आता है। आप देख सकते हैं कि रंग गुलाल आपस में लगा के लोग होली को एंजॉय करते हैं। गुलाल लगाना होली का एक अलग ही रंग नजर आता है, क्या कहेंगे? यहाँ के बहुत आनंद आता है, एवरी ईयर आते हैं हम यहाँ पर और बहुत ही मजा। और इस बार मेरी फैमिली भी साथ में आई है, मेरी वाइफ है। राधे राधे। बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर, हमें फर्स्ट टाइम आया हम, बहुत अच्छा लग रहा है। मथुरा और वृंदावन की होली का अपना एक अलग मजा है। श्री राधा रानी मंदिर के पास में मौजूद हूँ, यहाँ पे आपको मैं मंदिर के दर्शन कराना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर जो है उसे भी कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। यहाँ हर एक रंग नजर आता है और खासकर यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को होली का रंग लगा के कहता है, बुरा ना मानो होली है। बिल्कुल, आपको भी हैप्पी होली। सबसे ज्यादा खास बात ये होती है कि आप किसी को जाने या ना जाने, जान पहचान हो या ना हो, क्योंकि यहाँ का जो रंग है ना वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कुछ गाना बजाना हो जाए क्योंकि होली का टाइम हो, गाना बजाना। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे होरी रे होरी होरी रे रसिया, होरी रे होरी रे हरी हरी रसिया। नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है, हरी है, होली है। बॉलीवुड थोड़ा हो जाए, होली में कैसा लगता है होली का? बहुत आनंद है। एक बार बरसाना आप लोग आकर देखिए, जो बरसाने की होली का आनंद है वो कहीं नहीं है। बिल्कुल, बरसाने की जो रौनक है ना आपको यहाँ पे जो रौनक मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, पर छोरी रे रसिया, होली है।
होली खेले रंग वीरा शर्म मरे वीर मैं का करूं सजनी होरी मैं का करूं सजनी होरी में रंग डाल रंग बर से भीगे चुनर वाली रंग बर से बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आप सुन रहे हैं ना, हर किसी के चेहरे पे मुस्कान है, हर किसी के चेहरे में रौनक है और ये रौनक आपको सचमुच कभी देखने को नहीं मिलती। हर एक महिलाओं का झुंड आपको मैं दिखाती हूँ जहाँ पे लोग खड़े हैं सज धज के सवर के होली को एंजॉय करना। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा, बरसाने में बहुत आनंद आता है। यहाँ की होली जैसे कहीं होली नहीं मिलेगी। आज सभी राज्य में होली रे रसिया, आज भी राज्य में होली रे रसिया, बर पीछे खारी घर से कोई कैसा लगता है होली? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये तो साल में एक बार आता है। खाना आने के चक्कर के अंदर पूरी रात नींद नहीं आई। हम लोग का इंतजार करते हैं इस चीज का, जब बरसाना की होली बहुत मशहूर है, दूर दूर से लोग आते हैं देखने। हम लोग भी दिल्ली से आए हुए हैं। होली के सभी रंग बरसाना के संग। अरे वाह, बरसाना के सभी बरसाने वालों को और सारे बंड वालों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो होली की आप सभी को। गीत कोई गीत, क्योंकि होली का त्यौहार है, नाच गाना ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। का गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, बाजार शाम मैं तो मर जाऊंगी, रंग डारो ना बीच बाजार शाम मैं तो मर जाऊंगी, ऐसे पकड़ो ना आए है ऐसे पकड़ो ना भैया हमारा, रंग डारो ना बीच बाजार शाम मैं तो मर है, नंदगांव में होली, मोरकुटी में होली है, गेवर बन में होली है, हो 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 हरी है, हो 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 हरी है। रंग बिरंगी त्योहारों से सजाएगी होली का पर्व को पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, पर जब ब्रज की होली होती है तो एक अलग ही उमंग देखने को मिलता है। आपने तो होली कई प्रकार की देखी होगी, पर ब्रज एक ऐसी जगह है जहाँ पे अन्य अन्य विभिन्न विभिन्न प्रकार के होलियों का रंग जो है वो नजर आता है। होली एक पावन त्यौहार है जिसे घर के लोग अपने परिवारों के साथ मिलजुल कर मनाते हैं, पर जो खास बात निकल के आती है वो ये है कि होली को एकता का भी त्यौहार कहा जाता है, और जो एकता की रस है ना वो सिर्फ और सिर्फ मथुरा वृंदावन नंदगांव बरसाना जैसी जगहों में ही देखने को मिलती है। बरसाना की होली बेहद खास है। बरसाना में होली के रंग क्या कुछ नजर आ रहे हैं चलिए आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अद्भुत नजारा, ये नजारा आपको बार बार देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे जो है नाच गाना का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। कहा जाता है कि जब नंदगांव में इनविटेशन देके न्योता देके जब लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे नाच गाने का जो कार्यक्रम है वो रखा जाता है। और जरा देखिए यहाँ पे कैसे जो पुरोहित है वो नाचते गाते नजर आ रहे हैं, चारों तरफ बस रंग ही रंग नजर आ रहा है, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। तोड़ो रे तोड़ो कान्हा आया, ग्वालों को संग में अपने लाया, रे आया है देखो बनवारी हाथों में लिए पिचकारी। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से नाच गाना का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। सभी लोग रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। कैसा लगता है ये नजारा, यहाँ के कैसे महसूस? जिंदगी का परमानंद। होली पे आओ तो सब चीज भूल के आओ, कोई टेंशन वेंशन सब चीज को भूल के होली का आनंद लीजिए।
आपको मैं एक बार ऊपर दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग, ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा है, लोग यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक नीचे जो है वो रंग फेंक रहे हैं, लड्डू फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और मिलकर इसका आनंद उठा रहे हैं। ये नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा, यकीनन ये नज़ारा आपने कहीं नहीं देखा होगा। आप टीवी के जरिए ज़रूर इसको एंजॉय कर रहे होंगे, पर मैं तो आपको यही कहूँगी कि एक बार ज़रूर आप बरसाने की होली देखिए, तभी तो इसका अपना एक अलग महत्व है। किस तरीके से कृष्ण और राधा की लीला को यहाँ पे दिखाया जाता है उसका भी एक अपना एक अलग ही आनंद है। लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लगता है यहाँ पे आके इस तरीके की होली को देखना, क्या अद्भुत? बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत मज़ा आता है देख के, नए नए अपने कल्चर के बारे में पता चलता है, बहुत ज़्यादा बहुत आनंद है इस उत्सव में। अद्भुत ही फीलिंग्स है ना, कि ऐसी होली आपने तो कहीं नहीं देखी होगी, ऐसी होली देखी। हाँ हेलो, पहले तो आप सभी को धन्यवाद, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ ब्रज की होली अपने आप में अद्भुत है, जिसे देखने बैकुंठ के देवी देवता भी आते हैं। ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी तो मेरे वस की नहीं है। वाह वाह, सही बात है, मोहब्बत की होली भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जब राधा का निमंत्रण कृष्ण जी ने स्वीकार किया था, बरसाने का निमंत्रण, तो उसकी जो एक अपनी अलग ही महत्वता नजर आई थी, और ऐसे में जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आए थे। बहुत प्यार यहाँ देखने को मिलता है, खास बात ये होती है कि जो प्यार है आपको हमेशा देखने को नहीं मिलता है। नज़ारा देख लीजिए, लोग आराम से बैठे हैं, निश्चिंत बैठे हैं और होली के मजे ले रहे हैं। ऊपर छत से लड्डू फेंकी जा रही है, लड्डू के साथ साथ बिस्किट चॉकलेट भी फेंकी जा रही है, और इसी अद्भुत नज़ारे का आनंद लेने के लिए लोग जो है वो दूर दूर से जो है वो खींचे चले आते हैं। फूलों की होली, लड्डू होली, लठमार होली, ये आपने कभी सुना है क्या? बहुत सारे कम लोग हैं जो जानते हैं कि रंगों के अलावा भी अलग अलग तरीकों से होली को मनाया जाता है, पर ब्रज एक ऐसी जगह है जहाँ आपको होली के अनेकों रंग देखने को मिलेंगे, एक दो नहीं बल्कि अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे, और हर होली के रंगों को एक अलग ही आनंद के साथ जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन का नज़ारा ब्रज में क्या कुछ नजर आ रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। बरसाने की लड्डू होली जो यहाँ पे है मनाई जा रही है, तो एक नजर डालिए और देखिए कि यहाँ पे कितनी संख्या में भीड़ है, कितनी तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं और लड्डू पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं। आप छतों पे, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि छतों में से किस तरीके से जो लड्डू है वो फेंकी जा रही है, और लोग हाथ लिए खड़े हैं कि कहीं भाई एक लड्डू उनके हाथ में आ जाए, बस एक लड्डू के लिए वो रुके हैं। लड्डू की होली के साथ साथ होली का जो मेन शुभारंभ है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि लड्डू की होली के बाद लठमार होली की जाती है, फिर रंगों की होली होती है, फूलों की होली होती है, तो होलियों की बहुत अलग अलग परंपराएं हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई प्रकार की होली जो है यहाँ पे मनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इस लड्डू की खासियत क्या है, प्लास्टिक के साथ इसे रैप किया गया है, एक नज़र मैं दिखाना चाहूंगी, आप मेरे हाथों में ये लड्डू देख सकते हैं, और इसे प्रसाद का इंतजार लोग करते हैं और बहुत दूर दूर से खींचे चले आते हैं, और सभी जो है वो रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। बेहद खास नज़ारा, और ये नज़ारा शायद ही आप इसे मिस करना चाहेंगे। खास करके महिलाओं की बात करूँ तो आपने फोटोज में देखा होगा कि महिलाएं जो है वो अपना आंचल फैलाए लड्डू लेने का इंतजार कर रही है, अपनी चुन्नी फैलाए लड्डू लेने का इंतजार कर रही है, और ये लड्डू बस पाने का इंतजार बेसब्री से कर रही हैं। तो लड्डू होली का विशेष महत्व है, और कहा ये भी जाता है कि जब बरसाने से, जब कृष्ण जी को निमंत्रण देने के लिए लोग गए थे बरसाने से नंदगांव, द्वापर युग की कथा मैं आपको बता रही हूँ, तो वहाँ पे यहाँ से बरसाने से जो भी गोपियाँ गई थी कृष्ण जी को आमंत्रित देने के लिए, तो गोपियों के पास रंग था, गुलाल था, तो उन्होंने वहाँ पे नंदगांव में जाकर सभी को रंग गुलाल लगाया, पर नंदगांव में जिन पुरोहितों को गुलाल लगाया उनके पास गुलाल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड्डू खिलाया और लड्डू से उनका स्वागत किया। यही कहानी जो है वो प्रचलित मानी जाती है, और इसी कहानी को देखते हुए लड्डू होली का जो है शुभारंभ वहां से किया जाए, उसके बाद लड्डू के साथ उनका स्वागत किया गया। कितना क्विंटल आप लोगों ने लड्डू बनाया था इस बार और कितना फेंका है? 172 किलो हमने, 172 किलो, 177 किलो का पड़ा वो अपने आप बढ़ जाता है। हमारे पास 4000 लड्डू थे। हम यहाँ की क्या प्रक्रिया क्या है, अलग अलग छतों पे खड़े होके लोग लड्डू फेंकते हैं या कोई गुट बना के बेचते हैं, क्या प्रोसेस क्या है? हर एरिया का अलग अलग गुट है, जैसे हम शामली हरिद्वार से आए हुए हैं और दिल्ली से आए हुए हैं, हम 12 लोग हैं टोटल मिला के। हम
हम पंजाब से आए हैं, पंजाब से अलग अलग जगह से लोग आके यहाँ पे लड्डू जो है वो बना के यहाँ से जो भी श्रद्धालु उसे फेंकते हैं। देखिए मेरे हाथ में लड्डू है, यदि आप लोगों ने आज तक कभी लड्डू होली नहीं देखी होगी, नहीं समझा होगा, तो ये जो लड्डू है ये लड्डू लेते हैं और निकाल के श्रद्धालु को फेंकते हैं और तभी इसे कहते हैं लड्डू मार होली। तो एक मार हो जाए लड्डू मार। तो देखिए आपने काफी तादाद में काफी संख्या में यहाँ पे भीड़ है और हर किसी को बस इसी प्रसाद का इंतजार है। क्या जैसे कि आप लोग भीड़ देखते हैं तो इस भीड़ को देख के क्या मतलब फील करते हैं, क्योंकि हर लोग यहाँ पे बस एक ही लड्डू पाने का इंतजार कर रहे हैं और आप ही लोग हैं जो मिलके फेंकते हैं नीचे। मैडम इस आनंद का ना हम वर्णन नहीं कर सकते, मतलब हमें ना इस टाइम ये लग रहा है कि पता नहीं हम किस जन्नत में है, स्वर्ग में है इस टाइम। हम शब्दों से इस चीज का वर्णन नहीं कर सकते बिल्कुल भी क्या हो रहा है यहाँ पर। और जब स्वाद की बात करूँ तो इसका स्वाद तो खाने के बाद बिल्कुल अलग। ये स्वाद नहीं है, अमृत है यहाँ का, ये राधा रानी का प्रसाद है और प्रसाद में स्वाद नहीं होता, उसमें तो आनंद होता है। माहौल देख रहे हैं इसको कितना, बहुत इंजॉय कर रहे हैं मैम, लिटरली बहुत मजा आ रहा है, आनंद का मजा ले रहे हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे जो लोगों ने मथुरा की बरसाने की लड्डू मार होली नहीं देखी उनको, आप क्या? कुछ नहीं देखा उसने जीवन में, कुछ नहीं देखा, होली का आनंद लिया उसने जीवन में कभी किसी। होली का असली मजा कहाँ है भाई, और लड्डू होली का मजा तो लड्डू में ही है ना, कि जब राधा रानी के दरबार में जो आनंद है वो कहीं दुनिया में नहीं है। तो एक बार हमारे दर्शकों को हैप्पी होली हो जाए। श्री राधे। आखिरी सवाल, जब होली का जिक्र चर्चा हो, नाच गाना ना हो, डांस ना हो, तो होली अधूरा सा लगता है, तो एक कोई गाना हो जाए राधे के नाम पे, राधा कृष्ण। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है लाडली, अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, आगे बोल। रोका सहारा बेसहारों का सहारा मेरे बरसाने में, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। श्री राधे। तो ये अद्भुत नजारा सचमुच है, ये अद्भुत नजारा आप भी मिस नहीं करना चाहेंगे। नजारा देखिए, काफी वक्त बीत गया है पर भीड़ उतनी की उतनी है और काफी घंटों घंटों जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। होली खेल रहे नंदलाल गोकुल की गलियों में, होली की गलियों में, बरसाने गलियों में, होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की गली में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए, आरलाइन टीवी से बात करने के लिए। जय श्री राधे। हैप्पी होली। हैप्पी होली। और एक बात कहते हैं ना, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो देखा आपने ये नजारा वाकई अद्भुत है, ये नजारा आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। लगातार भक्तों की भीड़, लगातार मन में उत्साह, लगातार उमंग, लोग थकते नहीं है यहाँ पे आके, गजब की एनर्जी, गजब का उत्साह यहाँ पे देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं पूजा, R9 TV मथुरा।